और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज कार्यक्रम होना है रायपुर में। ये बड़ी जानकारी, बेमेतरा मुंगेली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। दो दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे, ये बड़ी जानकारी। बेमेतरा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज कार्यक्रम होना है। आपको बता दें कि बेमेतरा मुंगेली दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, और दो दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे, बेमेतरा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल के रायपुर में अहम कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के आज जो कार्यक्रम रहेंगे वो बेमेतरा और मुंगेली में भी रहेंगे, जिसके दौरे पर होंगे सीएम, और दो दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। इसके साथ ही बेमेतरा में किसान सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इसी बीच ये बड़ी और अहम जानकारी, दोपहर 1:15 पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। राम मंदिर परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण समारोह में शामिल होंगे। 3:30 बजे बेसिक शाला ग्राउंड में सम्मेलन में शामिल होंगे और 6:30 बजे सर्किट हाउस में शामिल होंगे। तो रात को 8 बजे अधिकारियों के साथ सीएम चर्चा भी करेंगे। आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें राम मंदिर परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के अनावरण समारोह में सीएम शामिल होंगे। 3:30 बजे बेसिक शाला ग्राउंड में आयोजित सम्मेलन में शिरकत करेंगे और 6:30 बजे सर्किट हाउस में समाज के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। रात 8 बजे अधिकारियों के साथ अहम बातचीत होगी। तो ये अहम कार्यक्रम जो आज होने हैं। आपको बता दें कि आत्मानंद स्कूल परिसर में पहुंचेंगे, राम मंदिर परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण समारोह में शामिल होंगे, 3:30 बजे बेसिक शाला में शामिल होंगे जहां बातचीत करेंगे, और 6:30 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो आज ये प्रमुख कार्यक्रम जो होने हैं सीएम के, आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कल, ये बड़ी और अहम जानकारी। कल बेमेतरा के सर्किट हाउस में 10:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 12 आवर स्वास्थ्य भारत संपन्न भारत, कल 11:25 पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा, और 6:30 बजे सर्किट हाउस में समाज के प्रमुखों के साथ बातचीत होगी। 8 बजे अधिकारियों के साथ चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि कल बेमेतरा के सर्किट हाउस में सीएम भूपेश बघेल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12 आवर स्वास्थ्य भारत संपन्न भारत टेलीकॉम और 11:25 पर कल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होगा। 6:30 बजे सर्किट हाउस में समाज के प्रमुखों के साथ बातचीत होगी और 8 बजे अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ कल अहम कार्यक्रम होंगे और किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके दौरान वह मुंगेली और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे, आज वह 12:10 पे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और ठीक 12:15 बजे
वह पहुंचेंगे बेमेतरा के मुख्यालय, जहां पर वह आत्मानंद स्कूल में एक प्रयोगशाला और ग्रंथालय का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह एक जो कार्यक्रम है उसमें गांधी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये राम मंदिर परिसर में स्थापित की गई है बेमेतरा के, तो वहां पर गांधी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री शाम को किसान संबोधन करेंगे, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और किसान सम्मेलन को संबोधित करने के पश्चात वहीं पर 6:30 बजे एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही 8 बजे उनकी अफसरों से चर्चा होगी। बेमेतरा जिले के जितने भी अफसर हैं, कलेक्टर SP से लेके सभी विभागों के अफसरों को भी उन्होंने तलब किया हुआ है। यहाँ पर वह एक मीटिंग ले सकते हैं और पूरे जिले में किस तरह की उपलब्धियां हैं, क्या गतिविधियां हैं, किस तरीके से राज्य की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उसकी जानकारी वो अफसरों से ले सकते हैं। रात्रि विश्राम वह वहीं करेंगे और रात 8 बजे अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने का, संगठनों से, जो सामाजिक संगठनों से भी मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही रात्रि विश्राम के पश्चात कल जब सुबह 10 बजे वह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 3 तारीख को, और 3 तारीख को वह मीडिया से मुखातिब होने के बाद वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के बाद वे वहां से 12:30 बजे मुंगेली के लिए रवाना हो जाएंगे और मुंगेली पहुंचकर वहां कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां मैं बताना चाहूंगा कि लगभग दोनों जिलों को ये 274 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री इस समय जिलों के दौरे पर हैं और जिलों में जाकर वह अब सौगात दे रहे हैं। इसे आप मिशन 2023 से जोड़कर देख सकते हैं। जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही है, जिलों को सौगात देने का काम चल रहा है, तो इसे मिशन 2023 चुनाव की तैयारी माना जा सकता है, क्योंकि अब एक छवि बनाने की बात आ गई है कि किस तरीके से वह कार्य कर रहे हैं जनहित में। तो जनता के लिए किए जा रहे कार्यों का वो अवलोकन भी करेंगे, अनावरण भी करेंगे और 274 करोड़ की सौगात भी देंगे। जी मोनिका, अमित, इसके साथ ही किसान सम्मेलन भी आयोजित होगा जिसमें CM शिरकत करेंगे, क्या कुछ अहम रहेगा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, जैसा कि भूपेश सरकार स्वयं को किसान हितैषी बता रही है, और अभी जैसा कि राज्य में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक महापंचायत की भी कवायद की गई थी, जिसमें राज्य सरकार ने पूरी तरह से किसान संयुक्त मोर्चा को समर्थन दिया हुआ था, और किसान हितैषी का हवाला देते हुए अब यह सरकार पूरी तरह से किसानों को अपने जनाधार, अपना वोट बैंक बनाने के लिए प्रयासरत है। हालांकि जो दिल्ली में चल रहा जो किसान आंदोलन है, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह राज्य में यहाँ पंचायत का आयोजन करके यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसानों को भी शामिल करने की बात कही है, और यहाँ पर 25,000 से 30,000 किसानों को जुटाने की कवायद की गई थी, लेकिन इसमें अधिकांश लोग पंजाब और हरियाणा के ही नजर आ रहे थे। ये बड़ी बात थी कि छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ पूरी तरह से, क्योंकि उनके समर्थन मूल्य अच्छा मिल रहा है, 2500 का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ का किसान पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है, वो किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कल बेमेतरा में यहाँ किसान सम्मेलन होगा, इसे मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और किसानों को किसान हित में ली जा रही योजनाओं के बारे में, गोठान के बारे में, गोबर से बिजली उत्पन्न करने का आज जो कवायद की जा रही है, ये सारी चीजें किसानों हितैषी होने की जानकारी उन्हें दी जाएगी। जी मोनिका, इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रयोगशाला का भी आज वहां पर भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे, क्या कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लगभग 171 स्कूल पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं, जिसमें अब जहाँ जहाँ भी हर जिले में एक स्कूल अनिवार्य किया गया है, और उसी तरीके से बेमेतरा और मुंगेली में भी आत्मानंद स्कूलों में वह जाएंगे। यहाँ पर रायपुर में जब वह 2 स्कूलों के अनावरण कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उन्होंने आधे घंटे समय दिया था, लेकिन बच्चों के बीच उन्होंने पूरे 1.5 घंटे का समय बिताया था। वो पल बड़ा यादगार था जब इंग्लिश स्कूल संचालित हो रहे थे, ऐसे इंग्लिश स्कूल जो सरकार द्वारा संचालित है और बिल्कुल प्राइवेट को भी मात दे रहे थे, तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, हर चीज मतलब इतनी व्यवस्थित थी, और प्राइवेट स्कूल भी अब इनके आगे, सरकारी स्कूलों के आगे पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी आत्मानंद स्कूल में डाल रहे हैं,
तो एक बड़ी सरकार की सराहनीय पहल है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिक्षा के इस क्षेत्र में किए जा रहे इस नवाचार को लेकर उत्साहित भी हैं और वह आत्मानंद स्कूलों की दायरा दिन पर दिन बढ़ाए जा रहा है। 171 स्कूलों के बाद और भी ब्लॉकों में इस स्कूल को बनाने की कवायद की जा रही है राज्य सरकार द्वारा। जी मोनिका, ठीक अमिता, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।